जब ये उदय होता है तो हमारी धरती रोशनी से भर जाती है, और जब ये डूब जाता है तो हमें रात नज़र आती है। ये हमारी धरती के लिए हीट, एनर्जी और लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसकी वजह से हमारी धरती पर जीवन भी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सूरज की, द सन आज का टॉपिक है। तो चलिए आज हम जानते हैं सूरज के बारे में। इसकी हीट और लाइट की वजह से, इसकी एनर्जी की वजह से इसे एंशिएंट टाइम से ही पूजा जाता है, पवित्र माना जाता है। इस पर आज भी हमारे साइंटिस्ट लगातार स्टडी कर रहे हैं ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम गेन कर सकें और इससे फ़ायदे ले सकें। ये हमारी धरती के सबसे पास का स्टार है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और इसकी हीट को हम इजीली महसूस कर सकते हैं। जबकि दूसरे स्टार्स काफ़ी दूर हैं, इसलिए उनकी सिर्फ हमें रोशनी दिखाई देती है, वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, ये हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये जो सन है ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर लोकेट करता है, और चूंकि ये एक स्टार है इसलिए इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पावर है, जिसकी वजह से इसने सारे सोलर सिस्टम के सारे मैटर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। जो स्टार है उसकी जो पोजीशन है हमारे सोलर सिस्टम में, वो एक सेंटर पोजीशन है। सेंटर पोजीशन की वजह से सारे प्लैनेट्स जो हैं इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यानी घूमते हैं, क्योंकि इसने अपनी ग्रेविटेशनल पावर से उन्हें थाम कर रखा है। ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी धरती को भी हीट मिलती है और हमारे धरती पर जीवन संभव हो पाया है। इसका साइज़ हमारी धरती से लगभग 109 गुना बड़ा है, या ये कह सकते हैं कि हमारी धरती जैसी कई मिलियन वर्ड्स इसके अंदर समा सकती हैं, पर इसका साइज़ उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ये सेंटर पोजीशन में है हमारे सोलर सिस्टम के, ये हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, और इसी की वजह से हमारे जितने भी मैटर्स हैं सोलर सिस्टम में वो एक्टिव हैं और वर्क कर रहे हैं। हम इसको पास से देख पाते हैं, यानी कि ये हमारे पास में, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते जाएंगे ये हमें दूसरे स्टार्स की तरह छोटा और चमकदार ही नजर आएगा, तब शायद हम इसकी हीट को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। अभी हम बात करें अगर इसके, ये हमारी धरती से लगभग 150.04 मिलियन किलोमीटर अवे है, ठीक है। इसके बावजूद इसकी जो रोशनी है हम तक 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। लोग अगर हम इसकी बात करें, इसकी लेयर्स की बात करें, तो इसकी एक कोर की बात करें टेम्परेचर की, तो इसका जो येलो पार्ट दिख रहा है ना, इसका सेंटर पार्ट है। इस सेंटर पार्ट का टेम्परेचर लगभग 150 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी जो अपर लेयर है जिसे फोटोस्फेयर भी कहा जाता है, या जो हमें लेयर दिखाई देती है उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं, और इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं कितना गर्म होगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सन है, ये हार्ड नहीं है, ये गैसेस से बना हुआ स्टार है, इसलिए इसकी जो लेयर है ना वो हार्ड नहीं है बल्कि सॉफ्ट है। लेकिन इसमें इतनी ज्यादा गैसेस एक्टिव हैं, इतनी ज्यादा बर्निंग गैसेस हैं कि इसमें लगातार वोल्केनो विस्फोट होते रहते हैं, और इसीलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके पास जाता है, बहुत नज़दीक जाता है, तो वो जल भी जाता है, क्योंकि ये बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे तो हीट और लाइट का ये सबसे अहम हिस्सा है, या सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। अगर सूरज नहीं होगा तो शायद हमारी धरती पर जीवन भी नहीं होगा। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपके डाउट अगर हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। थैंक यू क्लास।